हेलो जी, कैसे हैं आप? सब आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो बड़ा एक बैंगन लिया है मैंने, इसको बीच से मैं कट कर लेती हूँ। तो कीड़े वीड़े नहीं है, मैं कर लिया है चेक, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद है। और अच्छे से चेक करके मैंने बीच से एक कट लगाया है चेक करने के लिए। तो उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पर सरसों का तेल, और बीच में डाल देती हूँ 2 या 3 हरी मिर्चें, साथ में भुन जाएंगी और बहुत टेस्टी बनता है बैंगन का भरता। और तेल लगा देते हैं तो छिलका अच्छे से उतर जाता है और ज़्यादा जलता नहीं है अंदर तक तेल लगाने से। और छोटे वाले गैस पर मैं एक तरफ रख देती हूँ इसको और सिम कर देती हूँ आज। धीरे धीरे ये पक जाएगा, पलट के दोनों तरफ से मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। तो अल्ट पलट के मैंने चारों तरफ से इसको भून लिया है। भूनने के बाद जैसे मैं इसको पानी में देती हूँ, पर मैंने कट कर रखा, पानी में नहीं दूंगी इसको। पानी में डाल देते हैं तो छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है, पर चिकनाई लगा रखी है मैंने तेल की इसमें, तो फिर भी अच्छे से चम्मच से छिलका उतर जाएगा सारा। और साथ में बन रही थी मेरी चाय, तो मैं काटे वाली चम्मच लेके इससे ऊपर ऊपर का छिलका मैंने हटा दिया है इसका। बहुत अच्छे से उतर गया है क्योंकि इसको चिकनाई लगा रखी थी, उसी हिसाब से उतर गया था। बैंगन मैंने छील के यहाँ पर कट कर लिया है, साथ में एक हरी मिर्च कट कर ली है, 3 टमाटर कट किए हैं, और साथ में घिस लेती हूँ मैं अदरक लहसुन प्याज। बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, बिना लहसुन प्याज के बैंगन का भरता बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो वहाँ डाल दिया मैंने सरसों का तेल, सरसों का तेल गर्म होने के लिए डाला। उसके बाद डाल दी मैंने हींग, हींग डालने के बाद इसमें डाल देती हूँ जीरा, और थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें अजवाइन जीरा के साथ ही। तो ये सभी चीज़ें पक जाते हैं, इतना मैं इसको थोड़ी चम्मच की सहायता से इसको कट कर देती हूँ। और जो हरी मिर्च थी वो मैंने डाल दी है इसमें, और अदरक भी डाल दी है साथ में। थोड़ी सी पक जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूंगी इसको टमाटर। तो इसमें टमाटर से पहले आज मैं मसाला डालूंगी क्योंकि मसाला पकता नहीं है, इसलिए टमाटर बाद में डालूंगी और मसाला पहले डालूंगी। इसमें मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है, और कुछ नहीं डाला है मैंने। जो अपने रोज़ के बेसिक मसाले होते हैं वही 4 मसाले मैंने इसमें डाले हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने पानी, जो जले नहीं मसाला। तो टमाटर डालने से पहले मैंने इसमें डाल दिया है मसाला। मसाला को लेती हूँ 5 मिनट के लिए पका। मसाला पक जाएगा तो अच्छे से फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो मसाला को मैंने चला दिया था, जैसे मसाला से अलग तेल होने लगा तो मैंने डाल दी है टमाटर, और आधा टमाटर बच गया था इसे बिना कट के, तो इसको भी मैं कट करके डाल देती हूँ काट के। मसाला पक गया था, जैसे टमाटर के साथ मसाला अच्छे से इतना नहीं पकता है, तो पहले मैंने इसमें मसाला डाला और मसाला पका दिया। उसके बाद डाल दिया है इसमें टमाटर। टमाटर पक गए, पक जाएंगे उसके बाद डाल दूँ मैं इसको थोड़ा सा चम्मच से इसको चेक कर लेती हूँ कि बीच में से कच्चा तो नहीं रह गया है, पर कच्चा नहीं रहता है, बीच से मैंने कट भी कर दिया था, बड़ा था। और यहाँ पर टमाटर भी मेरे पक गए हैं, तो सभी को मैंने चम्मच से थोड़ा सा चलाया। उसके बाद डाल दिया मैंने जो बैंगन पका के रखा था उसको, और इसमें कर देती हूँ मैं अच्छे से मिक्स। और एक तरफ चढ़ा दिए हैं मैंने चावल, बच्चों को खाने हैं थोड़े चावल, तो थोड़े चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और साथ में बनानी है मिक्स रोटी। जैसे मक्का का आटा है और गेहूं का आटा है, 2-3 आटे पिसवा रखे हैं, चने का आटा है, तो सभी को मिक्स करके मैं रोटी बनाऊंगी इसके साथ, बैंगन के भरते के साथ। और बाजरे की रोटी भी अच्छी लगती है बैंगन के भरते के साथ, और गेहूं की रोटी भी जैसे जो खाता है वैसी अच्छी लगती हैं, जो जिसको पसंद होता है। किसी के बाजरे की रोटी पसंद होती है, किसी के मक्का की रोटी पसंद होती है, और किसी को गेहूं की रोटी पसंद होती हैं। और मैं सर्दी सर्दी में बनाती हूँ मिक्स रोटी, सभी चीज़ों से आटा पिसवा लेती हूँ अलग अलग, और जितना जो मिक्स करना होता हो मिक्स कर लेती हूँ, तो ये हाथ से ही बन जाती हैं। तो ये बना रही हूँ मिक्स आटे की रोटी, और बेटी को खानी थी गेहूं की रोटी, तो उसके लिए मैंने 2 रोटी का आटा गेहूं का लगा लिया है। मैंने कहा था अपने अपने पसंद होती है, जो जिसके साथ खाता है। तो ये मैं हाथ से ही बन जाती है मिक्स रोटी, जैसे बाजरा की बनती है ऐसे ही अच्छे से आटा लगाने के बाद हाथ से ही
बच जाती हैं रोटियां हाथ से, जैसे धीरे धीरे करके हम बाजरा के बनाते हैं वैसे ही मिक्स रोटी बनती हैं और अच्छी फूली फूली सी बनती हैं। आटा को लगा के मैं नहीं छोड़ती, मैं 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। जैसे गेहूं का आटा लगाया है, इतनी देर ही मैंने इसको किया है और कितनी अच्छी फूली फूली सी रोटी बनी है। तो मैं बना लेती हूँ सभी रोटियां इसी तरीके से, फिर बना दूंगी गेहूं की रोटी और सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं और मिक्स रोटी भी 3-4 बनानी है, तो ये भी 2 तो बन गई हैं। तो मैं बना लेती हूँ रोटियां, मिलती हूँ बाद में। और दही की लस्सी बना ली है, खीरा कट कर लिए हैं, तो सलाद भी मैंने साथ में काट के रख दी है। अब तो सर्दियों की है, हरी सब्जी आने लगी है बहुत अच्छी सी, पालक है, मेथी है, मूली है, तो धनिया है, सभी चीज़ें आने लगी हैं। अगर इस भरते में थोड़ा सा धनिया पत्ती और डाल देते तो और टेस्टी हो जाता, पर बच्चे खाते नहीं हैं, धनिया डालने से कम खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। थोड़ा सा धनिया डल जाता है तो बहुत टेस्टी बन जाता है। तो खाना बन के हो गया है तैयार, गेहूं की रोटी एक सेक दी है मैंने, तो मैं लगा देती हूँ बच्चों के लिए खाना, खाना डाल देती हूँ, खाना बन के तैयार हो गया है। तो चावल डाल दिए हैं, साथ में बैंगन का भरता डाल दिया, सलाद हो गई और दही की लस्सी हो गई है, और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा घी टेस्ट के लिए। ये है फिर शाम की है सब्जी लेके आई हूँ मैं, तो ये नारियल पानी है, ये आंवले चल गए हैं, आंवले हैं बच्चों को, जैसे ही पानी में पिलाओ कैसे भी कुछ भी करें तो खट्टे आंवले हैं। ये हरी मिर्ची हैं, पालक है, मेथी है और सेब लेके आए, खीरा, तो सभी सब्जियां ले आए, फल और सब्जी मैं इकट्ठी ले आती हूँ। और धोने के लिए लगा दी है मैंने वॉश बेसिन में, यहाँ पर डाल दिया, तो धो धो के मैं सब्जी को रख देती हूँ। पहले फल हैं और खीरे हैं, मैं इनको सेब और ये धो के रख देती हूँ। सेब, टमाटर, खीरे मैंने धुल दिए हैं, जो धुलने की चीज़ें वो धुल दी हैं। आलू रह गए हैं तो आलू को भी धो के रखने, थोड़ा सा पानी इसका हो जाता है तो उसके बाद मैं फिर इसको सेब हैं इनको तो मैं बाहर ही रख दूंगी और खीरे हैं मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। जैसे खीरे बाहर तो मुड़े मुड़े से हो जाते हैं, और टमाटर ये सभी चीज़ें सब्जी फ्रिज में लगा दूंगी। सेब अब इतनी थोड़ी सी ठंड होने लगी है तो इतने ख़राब नहीं होंगे बाहर भी। तो ये सब्जी धुलने की नहीं है, साफ़ करने की है, तो इनको मैं सुबह करूँगी, अब टाइम नहीं है, शाम के बज गए हैं, 8-8 बजे मैंने इसको कर लिया धोने का तैयार। और ये फिर दो दा के मैं इसको लगा दूंगी, और साफ़ करने वाली है वो सुबह ही होगी, अब नहीं होगी, टाइम ज़्यादा हो गया है, और भी करना है, बर्तन वर्तन भी रखे हैं और स्लेब साफ भी करना है, तो सभी काम हैं। तो थोड़े से और सूख जाते हैं, सूख गए हैं, इनको मैं डाल के रख दूंगी। और अब तो सेब अच्छे आने लगे हैं, पहले तो अच्छे नहीं आते थे। अब मैंने करनी है प्रेस, प्रेस के लिए कपड़े रखे हैं काफ़ी, तो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं प्रेस के लिए कपड़े। तो ये कपड़ों को करनी है प्रेस, बच्चों के कोचिंग के कपड़े हैं उनके भी प्रेस करनी है, और जो घर के मेरे कपड़े हैं उनको भी।